ये जो हमारे आपने देखा सुबह सुबह जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमारी पोलिंग हो रही है, उससे यही समझ आ रहा है कि मंडी की जनता ने इस तरह का अपमान बेटियों के लिए जो है वो अच्छे तरीके से नहीं रिसीव किया है और उन्होंने अपना जो है वो वर्डिक्ट दे दिया है। इसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन करूंगी, क्योंकि हमारे जो हिमाचलवासी हैं उनको किसी न किसी तरह से भटकाया गया है कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। ये एक नंबर मैं आपसे शेयर करूंगी, ये स्ट्रिक्टली मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही है और मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनके लिए है। खेद करें, ये किसी फिल्म ऑडिशन स्क्रिप्ट और फोटोज के लिए नहीं है। ये नंबर मैं आपको देती हूँ, 01905256400। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए है। आपके पास मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आधार कार्ड होना चाहिए और आपको कोई सरकारी काम होना चाहिए। ये कंडला हेल्पलाइन है, ये कंडला का हेल्पलाइन है, ये हमारा हेल्पलाइन नहीं है, ये हमारा एक छोटा सा एक एंडेवर है लोगों तक पहुंचने का। और जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया है कि मैं जो है कभी अवेलेबल नहीं रहूंगी, ऐसा नहीं है, मेरी पूरी टीम जो है यहाँ पर अवेलेबल रहेगी और बाकी सब क्षेत्रों में भी इस तरह का जो है व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, चाहे वो रामपुर हो, भरमौर और जैसी जगहों पे मैं खुद दौरे लगाया करूंगी। मंडी सदर में हमारी एक ऐसे कार्यालय की अलग व्यवस्था होगी, रामपुर क्षेत्र में भी ऐसे कार्यालय की व्यवस्था होगी, जिस तरह से मुझे रोल मिलेगा। अभी के लिए तो हमने 4 जून के बाद ये सब डिसाइड किया जाएगा, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। टूरिज्म के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं टूरिज्म पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है, यहाँ हिमाचल तो है ही, लेकिन रोड्स नहीं है यहाँ पे। और उसको लेकर मेरी गडकरी जी से जो है काफी डिटेल में बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जैसे ही पूरा सिस्टम फिर से बन जाएगा, क्या क्या मंत्रालय कहाँ कहाँ, नेपोटिज्म पे बहुत लड़ाई लड़ती रही है, ये पॉलिटिक्स के नेपोटिज्म के बारे में क्या कहेंगे जो पॉलिटिक्स में चलता है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि जनता ने जो है वो एक ऐसा हमारे देश को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा किया है कि वो जो है अब योग्य ही लोगों को चाहते हैं हर क्षेत्र में। और वो दिन गए कि जब माँ बाप के नाम से जो है आप अपनी नैया तरा रहे हैं, वो दिन अब गए। तो बताइए, यहाँ पे आप सांसद जब बन जाएंगी, मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, उसे बदलने के तौर पर क्या कुछ काम करेंगे पहला, और दूसरा ये कि अभी नतीजे आने में वक्त है, उससे पहले आपने पार्टी दफ्तर की इनोवेट कर दिया, इसका मतलब आपने अपने आप को पूरी तरह से राजनीति में लाने का मन बना लिया। मैं राजनीति में ऑलरेडी हूँ। हाँ, नतीजे आने की बात है, अब नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस है कन्ना की वोटिंग वाले दिन। आप एक सांसद का जो जनसंपर्क कार्यालय होगा भावी सांसद का, उसका उद्घाटन करेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए, आप को मैंने पहले भी कहा, ये जीत और हार से आगे जी, ठीक है, ये एक ऐसा कार्यालय है जिसको मैंने आपको ये नहीं कहा कि सांसद का कार्यालय है वो, तो अब अगर मैं सांसद बनूंगी तो मैंने आपको बताया कि कार्यालयों का कैसा नेटवर्क जो है वो पूरे क्षेत्र में बनाया जाएगा जी। लेकिन ये तो मेरी जो सरका घाट की जो मेरा घर है, जो मेरा पुश्तैनी घर है, उनकी एक एक्सटेंशन है, तो यहाँ के लोगों से अब जितना मिलना हुआ है, जितना उनको उनके साथ में पर्सनल संपर्क हुआ है, जितना जो है कार्यकर्ताओं ने दिन रात जुटकर जो है कि युद्ध क्षेत्र में मेरे लिए काम किया है, तो क्या ये हमारा एक स्वाभाविक सा दायित्व तो नहीं बनता कि उनके साथ में हमारा मेल जोल रहे, चाहे हम पार्टी में कोई भी पोजीशन पर हो, चाहे हमारी कोई भी पोजीशन हो, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहना, क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं बनता? तो मुझे लगता है उस